नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूँ रामरूप शर्मा और ये जो वीडियो है वो सीबीएसई के उन बच्चों के लिए है जिनका रिजल्ट अभी कंपार्टमेंट का रिजल्ट जो आया है, उस कंपार्टमेंट में प्राइवेट स्टूडेंट भी हैं, उस कंपार्टमेंट में इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट भी हैं, उस कंपार्टमेंट में लास्ट ईयर के कंपार्टमेंट के जो स्टूडेंट हैं वो भी है, ठीक है ना। तो उनके लिए सीबीएसई ने एक मौका और दिया है ना, देते ही है, ऑलवेज ऐसा होता है कि आप इसमें वेरिफिकेशन करा सकते हैं अपने मार्क्स का, फोटोकॉपी आप ले सकते हैं अपने मार्क्स की और इवेल्युएशन करा सकते हैं। 3 शब्द है बच्चे, अच्छे तरीके सुन ले। वेरिफिकेशन का मतलब है एक बारी चेक करके बता दो जी सही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, और फोटोकॉपी का मतलब है जी हमारी अपनी आंसर शीट को दे दो, है ना, और इवेल्युएशन का मतलब है जी दोबारा से ठीक से चेक करो, ठीक है ना। तो ये है कि री इवेल्युएशन यानी कि 3 बातें क्लियर हो गई है। अब ये कब कब है और कैसे कैसे ये आप ध्यान से समझ लो, और क्योंकि ये डेट निकल जाएगी तो फिर उसके बाद में जो है ये सब नहीं होगा। देखिए वेरिफिकेशन आपको कराना है 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक, 4, 5 और 6, है ना, 3 दिन होंगे। ध्यान रखना है कि ये रात को 12 बजने से 1 सेकेंड पहले बंद हो जाएगा। ₹500 पर सब्जेक्ट का फीस है, पहले भी ऐसे होता था, ठीक है ना। अगर फिर आपको फोटोकॉपी लेनी है तो, और फोटोकॉपी अगर आपको लेनी है तो वो जो डेट है वो 13 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच में, 13 और 14 दोनों इंक्लूड है। अब पहले ये 5:30 बजे तक का टाइम देते थे शाम को, अब की बारी मिडनाइट तक का टाइम दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी मार्क्स का वेरिफिकेशन है वो 13 अक्टूबर से पहले आ जाएगा और उसकी फीस ₹700 पर आंसर बुक है ना, फोटोकॉपी की, फोटोकॉपी अगर आप लेना चाहते थे, क्योंकि रीवैल्यूएशन तभी पॉसिबल है जब फोटोकॉपी आप ले लेंगे, ठीक है ना। अब आ जाती है जी रीवैल्यूएशन की, तो रीवैल्यूएशन जो है 18 अक्टूबर मंडे से लेके 19 अक्टूबर, दो दो दिन का टाइम हर एक में दिया है, और वेरिफिकेशन में 3 दिन का टाइम दिया है, और इसका ₹100 पर क्वेश्चन चार्ज है भाई। और अब आप कहेंगे जी सारे ही करा देंगे, सारे कराएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, आप फोटोकॉपी ले लो उसमें चेक कर लो कहाँ कौन कौन से ऐसे 5, 4, 6, 8, 10 क्वेश्चन है जहाँ पर कम मार्क्स मिले। तो संजय भारद्वाज, कोऑर्डिनेटर ऑफ कंट्रोलर ऑफ द एग्जामिनेशन, तो ये वीडियो मुझे बतानी जरूरी थी आप लोगों के लिए, तो इसे बहुत ध्यान से कर लें क्योंकि ये मौका अगर आपका निकल गया, गलती हो भी सकती है भाई, टीचर से भी गलती हो जाती है, सीबीएसई से भी गलती हो जाती है, बहुत बारी मार्क्स चेंज हुए, ठीक है ना। और वैसे बच्चों ने अपने आप को आकलन कर ही लिया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा बच्चों, और आगे भी मैं आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा, और अगर पढ़ना है आपको अगली क्लास के लिए अच्छे तरीके से तो मेरे साथ जरूर जुड़ जाए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।